सब्लाइम क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में शैक्षिक दर्शन देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की। वैसे तो हम वैदिक दर्शन की बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम भारतीय दर्शन की कुछ ऐसे जो संप्रदाय हैं उनकी चर्चा करेंगे जो कुछ विभक्त तरीके से प्रस्तुत होते हैं। अब विभक्त का मतलब बटे हुए हैं। पहले हम थोड़ा सा वेदों की बात कर लें, जो कि हम कर चुके हैं एक बार, लेकिन यहाँ पर पहले इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग हम यहीं से कर सकते हैं। तो भारत में दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो स्टार्टिंग हुई, वो वैदिक काल से ही हुई थी। और वैदिक काल जो है में वेदों तथा उपनिषदों की रचना हुई थी। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वैदिक दर्शन। भारतीय दार्शनिकों ने जो संप्रदाय है उनको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक को कहते हैं थिस्टिक और नास्तिक को कहते हैं एथिस्ट सेक्ट। तो ये जो दो संप्रदाय हैं, क्यों बंटवारा हुआ, ऐसा क्या था? वैसे तो आप नाम से जान गए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो क्या था कि आस्तिक संप्रदाय क्या है? वैसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है, थिस्टिक सेक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। जो आस्तिक है, जो भी आस्तिक है, उसका आधार वेद माना गया है। ईश्वर तो है ही, लेकिन ईश्वर इस समय कॉन्सेप्ट बेस में नहीं लिया जा रहा है, वेद को लिया जा रहा है। तो आस्तिक दर्शन जो है वो भारतीय दर्शन परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों के प्रमाण या वेदों की सत्ता को या वेदों की बातों को स्वीकार करते हैं, वेद को प्रमाण मानकर उसी के आधार पर अपने विचार को आगे बढ़ाते थे, आस्तिक कहे गए। ठीक, ईश्वर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है वो भी, और ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, वेद वाला है और एक परलोक वाला है। जो लोग मानते हैं कि इस धरती के अलावा भी कोई जगह है या नहीं, तो उनको भी आस्तिक या नास्तिक में बांटते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आस्तिक संप्रदाय हैं कौन कौन से। तो आस्तिक संप्रदाय जो है न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। अगर आपसे प्रश्न आता है कि आस्तिक संप्रदाय क्या होता है तो बात अलग है, लेकिन जब बात आती है कि कौन से हैं, कौन कौन है, तो इन छह लोगों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये छह नाम ही मोस्टली पूछे जाएंगे आपसे कि ये उससे संबंधित हैं आस्तिक संप्रदाय से या नहीं है। खास बात यह है कि इनको मिला के एक दर्शन और बताया जाता है, खट दर्शन। खट जो होता है वो छह को कहते हैं वहां संस्कृत में। तो छह दर्शन को मिला के खट दर्शन होता है। तो खट दर्शन में कौन कौन से हैं ये भी आपके सामने, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लें। वैसे तो न्याय दर्शन अगर हम इसको विस्तृत चर्चा में ले आएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मोटी मोटी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी जरूरी है। तो सबसे पहली बात, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे ऋषि अक्षपाद गौतम, जिसे हम गौतम ऋषि भी कहते हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था न्याय सूत्र। तो उसमें क्या क्या कहा गया? तो जिन साधनों से हमें जो ज्ञेय तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी जाती है। ज्ञेय तत्व वो होते हैं जो दिखते हैं, जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, वो होते हैं ज्ञेय तत्व। न्याय दर्शन मोक्ष की बात करता है और मोक्ष प्राप्त करके ही संसार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं कि जितने भारतीय दर्शन हैं, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो आस्तिक हो, कोई भी हो, इवन वेद जो जिसको आधार मान के आस्तिक और नास्तिक की रचना हुई है, उसको भी सबके जो लक्ष्य हैं, जो इनका सबका एक उद्देश्य है, वो है मोक्ष प्राप्त करना। सबने अलग अलग उसकी बातें बताई हैं। बौद्ध दर्शन ने इसको निर्वाण कहा है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? एक। तो जितने भारतीय दर्शन हैं सबका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, तो न्याय सूत्र में 16 पदार्थों, ये पूछा जा चुका है एक बार कि कितने पदार्थ हैं न्याय दर्शन में, तो
16 पदार्थ हैं कि तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति बताई गई है। ठीक, 16 पदार्थों को याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं। अगर ये फिलोसफी का पेपर होता तो मैं मान सकता था कि आपको 16 पदार्थ याद करने हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन से देने जा रहे हैं तो आपको 16 पदार्थ होते हैं इतना ही याद करना काफी है। इसके बाद बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की, ये भी खट दर्शन का एक पार्ट है। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है और इसके मूल प्रवर्तक जो है वो ऋषि कणाद माने जाते हैं, कणाद मुनि कहे जाते हैं, और लगभग दूसरी शताब्दी यानी कि 200 ईसा पूर्व, ठीक है, ये इनका अस्तित्व मिलता है। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्य रखता है, मतलब जो न्याय दर्शन है इससे काफी मिलता जुलता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानी दर्शन है। यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि कौन सा दर्शन विज्ञान को प्रदर्शित करता है, भौतिक विज्ञान को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा है? वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन का जो सर्वप्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो वैशेषिक सूत्र है। इसमें काफी विज्ञान से संबंधित बातें बताई गई हैं और इसके जो रचयिता है या लेखक है वो कणाद है। तो उम्मीद है बहुत कठिन नहीं है, ये वैशेषिक सूत्र वैशेषिक दर्शन का एक हिस्सा है, एक ग्रंथ है, तो आपको याद ही रहेगा। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि माने जाते हैं और इसके दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड जो है प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। ठीक, इस दर्शन के अनुसार मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व हैं। ठीक है, 25, यहाँ पे सांख्य संख्या जो है 25 है, नाम से भी लग रहा सांख्य। तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। ठीक, द्वैतवाद क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सांख्य दर्शन जो है वो द्वैतवादी है लेकिन द्वैत होता क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। योग दर्शन। योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं, इनसे आजकल काफी आप परिचित होंगे, काफी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं इनसे संबंध के नाम से संबंधित, बाकी कहानी आपको सब पता है। तो योग दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रकृति और मानव के सहयोग से निर्मित है। योग का शाब्दिक अर्थ समाधि होता है। योग के 8 अंग माने जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। प्रारंभ से ही योग दर्शन सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक, कहीं ना कहीं जो योग दर्शन है वो सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो वैशेषिक था वो न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ था। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो सांख्य दर्शन है इसकी जो साम्यता है या इसको किसके समान देखा जा सकता है, तो ये सांख्य दर्शन के समान देखा जा सकता है। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रणेता महर्षि जैमिनी माने जाते हैं और उनका जो ग्रंथ है वो मीमांसा सूत्र है। तो आपको याद रखना है कि इसके जो प्रणेता हैं वो जैमिनी हैं और इनका जो ग्रंथ है वो है मीमांसा सूत्र। ये 12 अध्याय में विभक्त है और यह दर्शन वेदों को ही मानता है। आज मीमांसा ये सबसे अग्र माना जाता है, सबसे मतलब ये माना जाता है जितने दर्शन है ये सबसे आगे है, सबसे उचित अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो कर्मकांड विषयक होने के कारण इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा देखिए आपने कई जगह सुना होगा, चार मीमांसा, मूल मीमांसा, तत्व मीमांसा। तो ये जो मीमांसा है कहीं ना कहीं ये मीमांसा जो है एक प्रकार के विषय को दर्शाती है कि किस विषय पे हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी समस्या है या कोई भी बात कही जा रही है तो उसको हम किसी युक्ति से समझाते हैं। किस युक्ति से समझा रहे हैं ये डिपेंड करता है, हम किसी मूल्य से समझा रहे हैं। मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई यहाँ तो नियम है, तो एक नियम एक प्रकार की मीमांसा हो जाएगी, तो ये जो युक्ति है वो नियम मीमांसा कहलाएगी। ठीक, यहाँ पे कर्म मीमांसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस जो ये जो दर्शन है इसमें कर्मकांड अत्यधिक है, तो ये कर्म मीमांसा कहलाने लगी। तो आगे चलते हैं, ये अंतिम है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, मतलब ये मीमांसा के बाद वाला दर्शन जो है वो कहलाता है उत्तर मीमांसा। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि उत्तर मीमांसा दर्शन के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है, किसको? वेदांत दर्शन को। सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग जो है उपनिषद में हुआ, ये भी एक प्रश्न है कि वेदांत का प्रयोग कहाँ हुआ? उपनिषद में।
उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे छह जो हैं दर्शन संप्रदाय थे। अब बात करते हैं वेदांत की तीन शाखाएं हैं मेन, कौन कौन सी, अद्वैत, विष्टा अद्वैत और द्वैत। मैंने अभी बताया था कि द्वैत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये क्या है कि इनके पहले हम प्रणेता जान लेते हैं कौन कौन से हैं। अद्वैत के हैं आदि गुरु शंकराचार्य। जो अद्वैत है, आपने खूब पढ़ा होगा अद्वैतवाद क्या होता है, तो अद्वैतवाद मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये कहता है कि जो जो सबसे बड़ी ताकत है, जो परम शक्ति है ब्रह्मा, तो ये जो ब्रह्मा है वो जीव से अलग है, जगत से अलग है, ये सारी चीजें अपने आप में बड़ी हैं, एक स्वतंत्र तत्व है, चाहे ब्रह्म हो, चाहे जीव हो, चाहे जगत हो। ठीक, जब ये तीनों बड़ी चीजें आपस में अलग अलग रहती हैं तो ये अद्वैतवाद कहलाता है। ऐसे ही बात करेंगे विष्टाद्वैत की। इसमें क्या होता है, ये जो तीनों चीजें हैं ये एक जगह आ जाती है, मतलब जो ब्रह्म है यही सब कुछ है और इसी के अंतर्गत जीव है और इसी के अंतर्गत जगत है, जो पैदा हुआ है वो सब ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। ये कहना है विशिष्टा अद्वैत, यानी कि रामानुज ने कहा था ऐसे, सब कुछ एक है। ठीक, जो द्वैतवाद है ये कहता है कि जो ब्रह्म है उससे सब कुछ अलग तो है, मतलब ये जो चीजें हैं ये सब अलग हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म है ये एक ताकत है जो इन लोगों को चला रहा है, इस पर एक ऐसी पावर लगा रहा है, ऐसी शक्ति लगा रहा है कि ये सब ब्रह्म के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। ये है द्वैतवाद, जिसको माध्वाचार्य ने बताया है, इसके जो प्रस्तावक रहे वो माध्वाचार्य रहे। ऐसे ही यहाँ पे मैं शॉर्टकट में एक और बता दूँ जो कि वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं थे, लेकिन एक था द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत था, है ना, निम्बार्क ऋषि इसके जो है वो रहे प्रस्तावक, निम्बार्क ऋषि। ये क्या कहते थे, ये कहते थे ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्मा तो है लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञान है वो वेदों में है, किसमें है, वेदों में, तो जो वेद है वही ब्रह्म ज्ञान है, जो वेद से अलग है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ गलत है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो द्वैतावाद से जो भी संबंधित था वो कहता था जो वेद है वही ब्रह्म ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। एक और था बता दूं आपको, शुद्धाद्वैत, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है समझ लीजिएगा, शुद्धाद्वैत, शुद्ध द्वैत। ठीक, वो कहते हैं कि ब्रह्म स्वतंत्र है, इनका कहना है कि ब्रह्म जो है वो स्वतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है, और जो जीव जगत है वो इसी का अंश है, जैसे कि किसने कहा था, विशिष्टाद्वैत ने, तो शुद्धाद्वैत और विशिष्टाद्वैत मिलता जुलता है, ब्रह्म स्वतंत्र है। और बस इनके में अंतर यह आ जाता है कि इन्होंने श्री कृष्ण का नाम ले लिया था, श्री कृष्ण भगवान का नाम ले लिया था कि श्री कृष्ण जो है वही ब्रह्म है, वही सर्वशक्तिमान है और वही जीव और जगत को अपने अंदर समेटे हुए। तो ये एक प्रकार से कुछ वेदांत की शाखाएं थी, इसमें तीन उनकी मुख्य शाखाएं हैं, बाकी द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत बात में बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नास्तिक संप्रदाय की, इसको अथीस्ट सेक्ट कहते हैं। भारत में कुछ ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जो वैदिक परंपरा के बंधन को नहीं मानते थे, वो नास्तिक कहलाए। नास्तिक कहे जाने वाले विचारकों में तीन धाराएं मानी जाती हैं। वैसे तो बहुत लोग होंगे जो वेदों को नहीं मानते, लेकिन जो धाराएं मानी गई उसमें चार्वाक, जैन और बौद्ध थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करते हैं चार्वाक दर्शन की। चार्वाक काफी स्वतंत्र दर्शन माना जाता है और इसको एक सुखवादी, मतलब खुश रहने वाले, जो लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं, पूरी तरीके से भौतिक दर्शन कहलाएगा, बस हम खुश रहें बाकी कुछ हो चाहे ना हो, कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उसी से संबंधित है। तो चार्वाक दर्शन, मतलब मैंने चार्वाक दर्शन की लाइन नहीं बोली है, उसको समझाने के लिए बोला था। तो आइए बात करते हैं कि अजित केशंग कबली
को चरवाक के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है, जबकि बृहस्पति को चरवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। लोकायत दर्शन, ठीक, लोकायत दर्शन और चरवाक दर्शन एक ही बात है। चरवाक दर्शन अत्यंत प्राचीन दर्शन माना जाता है और यह भौतिकवादी दर्शन है, वेदों का खंडन करता है, ईश्वर को भी नहीं मानता। यहाँ पे ईश्वर भी वाली बात भी आ गई कि कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को तो नहीं मानते लेकिन ईश्वर को मानते हैं। प्रत्यक्षवादी और सुखवादी दर्शन यही कहलाता है। तो क्वेश्चन आ चुका है कि सुखवादी दर्शन किसे कहते हैं? चरवाक दर्शन को। ये दर्शन वेद वाह्य भी कहा जाता है, जो वेद से अलग हो, वेद से जुड़ा ना हो, वेद की बाहरी बातें बताता हो, ये वो दर्शन है। ठीक, इसमें एक आपको छोटी सी बात बता दूं, जो हम नास्तिक नास्तिक की बात कर रहे हैं, कि जो ईश्वर वाली बात है कि ईश्वर में कौन विश्वास करते हैं कौन नहीं करते हैं, तो दर्शनों की बात करें तो जो चरवाक है ये ईश्वर को नहीं मानता, मीमांसा नहीं मानता, सांख्य नहीं मानता, ये तीन दर्शनों को छोड़ के बाकी सब ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, चाहे वो नास्तिक हो वेद के आधार पे या ना हो। ठीक, दूसरा आता है परलोक के आधार पर, कि दूसरा लोक यहाँ है, इस दुनिया में है भी कि नहीं है। तो उस हिसाब से सिर्फ चरवाक दर्शन है जो परलोक को नहीं मानता, बाकी सारे लोग चरवाक जो सॉरी परलोक को मानते हैं और उस हिसाब से वो आस्तिक कहलाएंगे। लेकिन जो परलोक के हिसाब से, तो यहाँ पे नास्तिक की खाली मैंने बात बताई है, ईश्वर के बेस पे चरवाक मीमांसा और सांख्य जो है वो नास्तिक हैं और परलोक के हिसाब से चरवाक नास्तिक है। तो एक हिसाब से चरवाक जो है वो हर स्तर में नास्तिक ही है, चाहे वेद हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी हो। बात करते हैं जैन धर्म की। यहाँ पे मैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि जैन धर्म की अगर हम वाकई में हिस्ट्री उठा लाएं तो उसका एक वीडियो का अलग से बन सकता है। तो जैन धर्म का आपको पता ही है कौन प्रवर्तक थे? ऋषभदेव थे, और 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। तो जैन दर्शन के अनुसार अस्तित्व या सत्ता के 7 तत्वों में से 2 तत्व प्रमुख हैं, जीव और आजीव। तो जीव जो है वो चेतना है और अजीव जड़ है, अर्थात चेतना का अभाव है जिसमें, वो है अजीव। जिसमें जीव जीव जिसमें जीव नहीं है वो जड़ हो जाएगा। जीव 2 तरीके से होते हैं, वो जो मुक्त हो गए और जो बंधन में है। इस बंधन की मुक्ति का मार्ग कैवल्य का मार्ग कहलाता है। स्वयं की इंद्रियों को जीतने वाले को जिनेन्द्र या जितेंद्रिय कहते हैं। यही अरिहंतों का मार्ग है, जितेंद्रिय बनकर जियो और जीने दो। यही जैन जो साहित्य है उनका सत्य है। मतलब यहाँ पे ना तो वेद की उन्होंने सत्ता मानी है और ना ही वो किसी फिलहाल वेद के बात को सत्य मानते हैं, तो ये नास्तिक कहलाते हैं। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन का भाई इतिहास बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से पता है सारा इतिहास। महात्मा बुद्ध इसके जो है संस्थापक हैं। तो बौद्ध धर्म ईश्वर के होने या नहीं होने पर चर्चा ही नहीं करता, वो कहता ही नहीं ईश्वर है या नहीं, इससे हमें कोई लेना ही देना नहीं है। उनका मानना है इस प्रश्न को आप तर्क या अन्य किसी तरीके से हल नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अगर ईश्वर है भी तो आप इसको हल करके दिखाइए, आप इसकी दिखाइए, तो इसको आप कैसे बताएंगे कि ईश्वर है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की सत्ता को मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस का कोई अंत नहीं है, और ठीक उसी तरह स्वर्ग नरक है या ये नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। मूल प्रश्न है कि व्यक्ति और वह दुख तथा बंधन में है। व्यक्ति दुख है, इसके 4 आर्य सत्र हैं, तो उसमें भी दुख की ही बात करी गई है, और दुख व बंधन का मूल कारण खोजो और उससे मुक्ति पाओ, यही इनका मुख्य आधार है। ठीक, अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो अष्टांगिक मार्ग वो मार्ग होते हैं जो दुख को दूर करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग पर चलकर दुख व बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, और वही आर्य सत्य है। तो यह बौद्ध दर्शन कहलाता है। तो इसके साथ साथ आज हमारा टॉपिक समाप्त होता है, जल्दी मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।